हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आपने अगर अकाउंट क्रिएट किए हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में तो पोस्ट ऑफिस से आपको इस तरह का कार्ड दिया गया है और ठीक पीछे में एक QR कोड है और उसी के साथ यहाँ पर दो नंबर दिया गया है, एक है कस्टमर आईडी और एक है अकाउंट नंबर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को समस्या हो रहा है कि इस अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी को लेके किस तरह से IPP एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स, फुल डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको इस तरह का कार्ड मिला है तो आप कैसे अपना मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से रिचार्ज वगैरह, बिल पेमेंट वगैरह, UPI और आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आप वहाँ पर देख सकते हैं और आपका अकाउंट का स्टेटमेंट भी आप चेक कर सकते हैं IPP अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। कुछ इस तरह का ही टेक वीडियो में डेली आप लोग लाता हूं जो आपका काम पे आए। फ्रेंड्स, बहुत लोग IPP अकाउंट को मोबाइल में ऑनलाइन क्रिएट कर रहा है बट बाद में एक साल बाद अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन नहीं हो रहा है, उसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस समय में आप क्या करिएगा फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको एक साल के अंदर जाके KYC करा लेना है आपका पोस्ट ऑफिस में, आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मिल रहा है और जो कस्टमर आईडी आपको मिल रहा है, उसी आईडी और अकाउंट नंबर को आपको लेके जाना है आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में। और वहाँ पर जब आप जाइएगा, बोलिएगा कि मेरा अकाउंट का आप KYC कर दीजिए, मैं अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट किया हूँ, तो उस टाइम में आपको इस तरह का कार्ड भी दे दिया जाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन में अकाउंट क्रिएट किए हैं, अभी आप लॉगिन कर पा रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, बट एक साल के बाद आपका अकाउंट का ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट आप लॉगिन नहीं कर पाइएगा। ये प्रॉब्लम मैं खुद फेस किया था, काफ़ी टाइम हमको लगा इसको ठीक करने के लिए। बट अगर अकाउंट लॉक हो जाता है तो उस टाइम में आपको मेल वगैरह करना पड़ता है, तभी अनलॉक होता है, फिर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके आपको KYC कराना पड़ता है, उसके बाद ही अकाउंट ओपन होता है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हैं आज ऑनलाइन के मदद से, उसके बाद आप एक महीना दो महीने के अंदर आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके उसका KYC जरूर करा लीजिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपके पास अकाउंट नंबर है, कस्टमर आईडी है, बट आप किस तरह से आप लॉगिन करिएगा आपका मोबाइल के अंदर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर अगर आप IPP सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का IPP मोबाइल बैंकिंग बोल के एक एप्लीकेशन है, उसको आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद वहाँ पे मांगा जाएगा अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। फ्रेंड्स, एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप IPP अकाउंट में रजिस्टर कर रहे हैं, जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं उस मोबाइल नंबर को आप हर टाइम एक्टिव रखिएगा, क्योंकि बिना उस मोबाइल के आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं IPP अकाउंट में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उस टाइम में आपका मोबाइल की वजह से हो रहा है, और जिस मोबाइल में OTP जा रहा है यहाँ पर शो भी होगा कि इस मोबाइल नंबर में आपका OTP जा रहा है। तो पहले जहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, पहले आप अकाउंट नंबर दे दीजिए, आपके सामने अभी शो हो रहा है, तो अकाउंट नंबर दे दीजिए, उसके बाद आप कस्टमर आईडी दे दीजिए, डेट ऑफ बर्थ आप दे दीजिए। जब आपने IPP अकाउंट रजिस्टर किए थे उस टाइम में जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिए थे, वही डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड, आधार कार्ड देके उस टाइम में तो अकाउंट क्रिएट किए थे IPP अकाउंट, तो वहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ आपका वैलिड डेट ऑफ बर्थ है, जो आप सभी डॉक्यूमेंट्स में देते हैं, वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देके आपको OTP वेरीफाई कर लेना है। फिर जब आप सेंड OTP में क्लिक करिएगा, आपके पास एक OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पिन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना पिन के आप लॉगिन नहीं कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको न्यू पिन डालने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पे री एंट्री करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों पिन आपको एंट्री करना पड़ेगा। इस पिन को आप कहीं पे नोट करके रख सकते हैं, अगर आप जिस टाइम में लॉगिन कर रहे हैं अगर आप भूल सकते हैं तो उस टाइम में आप पिन को जरूर कहीं पर नोट करके रखिए। उसके बाद पिन, जब दोनों पिन आप दे दीजिएगा, उसके बाद आपको फिर से OTP वेरीफाई कर लेना है, तो उस टाइम में फिर आपका OTP आएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद आपका IPP अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा, उसी पिन को एंटर करने से आपका IPP अकाउंट लॉगिन हो जाएगा।
हर एक महीना या दो महीना के अंदर आपको पिन चेंज करना चाहिए। बट इसी एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली पिन आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, और आपको पिन भी वेरीफाई कर लेना है हर एक डेढ़ महीना के अंदर, क्योंकि जब आप पिन वेरीफाई कर रखिएगा उस टाइम में आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपने पिन वेरीफाई कर लिए हैं, माय अकाउंट में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड को आप देख सकते हैं, आपका पासबुक आप देख सकते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, और यहाँ पे UPI का सुविधा भी अभी आ गया है। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, बिल पेमेंट करना चाहता है, तो उस टाइम में सभी कुछ संभव है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का IPP अकाउंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं आपका मोबाइल में और लॉगिन कर लेते हैं, आपके पास कोई दूसरा अकाउंट नहीं रहता है, तो उस टाइम में आप इसी अकाउंट के मदद से ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सारा काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं बहुत ईजी। तो इस तरह से आप IPP अकाउंट को मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं एडवांस तरीका से। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ इस तरह का ही टेक वीडियो मैं डेली आप लोगों को लाता हूँ, जो आपका काम पे आए। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।